कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनाललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे अवांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नामिने गौरीतशे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवशादी गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी को दूसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक दूसरे अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा अर्जुन के दो संशय। पहला संशय को भगवान ने पहला संशय क्या था? पहला संशय था कि दया आ रहा था अर्जुन को। जब अर्जुन कहते हैं सेना रुभयोर मध्ये रथम स्थापि मे अच्युत, ठीक है, मुझे रथ के बीच में, पहले अध्याय के में उन्होंने क्या बोला, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए, सेना रुभयोर मध्ये रथम स्थापि मे अच्युत, और उन दोनों के बीच में रथ को स्थापित कीजिए। क्यों? क्योंकि युद्ध जो वो देखना चाह रहे थे कि युद्ध वो किसके साथ करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने चार संशय बताए, उसमें से पहला संशय क्या था कि अपने परिवारजनों को देख करके दया आ रहा था, ठीक है। तो उस दया को भगवान, हमने पिछले सत्र में क्या पढ़ा, उस दया को भगवान कैसे समझाते हैं? उस दया को भगवान शरीर और आत्मा का भेद से समझाते हैं, और ये ऐसा समझाते हैं कि हम जिसको हम सभी को शरीर के रूप में देखते हैं, वो शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा जो क्या है वो उसको कोई उसका नहीं काटा जा सकता है, ना ही जलाया जा सकता है, ना ही भिगोया जा सकता है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ठीक है। तो जो इसको कभी भी आत्मा को आत्मा का आत्मा अजन्मा है, ठीक है। और लेकिन शरीर क्या है? शरीर निरंतर बदलता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तस्त्रनम् हुयेति। हर हर पल वो बदल रहा है शरीर। हम जो जैसा बचपन से लेकर के अब तक देख रहे हैं, शरीर कितनी बार बदल चुका है, ठीक है। हमारा हर दिन बदलता है। कल हमारा शरीर वो नहीं होगा जो आज है, परसों वो नहीं होगा। हर 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 साल हम अपनी जन्मदिन मनाते हैं, परंतु इस कहने का क्या मतलब है, ये जन्मदिन नहीं, हम अपने अंत तक, अंत काल तक पहुंचने के समीप जाते हैं। बर्थ, हम बर्थ, हम अपने जन्मदिन तो मनाते हैं, पर हमारा शरीर वो शरीर नहीं रहता है, एक साल और वृद्ध हो जाता है। तो शरीर निरंतर बदलता रहता है। तो अर्जुन क्या समझाते हैं, भगवान क्या समझाते हैं अर्जुन को, कि तुमको तो ये जितने तुम्हारे गुरुजन हैं, तुम्हारे पितामह हैं, भाई हैं, इन ये आत्मा के रूप में इनको देखो, और इनका कभी भी और आत्मा शाश्वत है, एक शरीर को छोड़ता है। वासांसि जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, ऐसा कहते हैं, वासांसि जिन्नानि यथा विहाय नवाति गृह्णाति नरोपराणि, यानी कि ये जो शरीर है कपड़े के समान है, कपड़ा जब पुराना हो जाता है, वासांसि जिन्नानि फटाफट जाता है, जीर्णानि जीर्णान हो जाता है, ठीक है। तो ये जब फट जाता है तो क्या होता है, हम नया नया कपड़ा धारण करते हैं, ठीक उसी तरह शरीर जब वृद्ध हो जाता है,
उसमें शक्ति का स्रोत नहीं रहता, तो नया शरीर प्राप्त होता है। और तुम्हारे तो जो पितामह है ये तो देवतुल्य है, महाजन है, और इनको तो जरूर से बहुत अच्छा शरीर प्राप्त होगा, तो तुम्हें दया करने का कोई कारण नहीं है, पहला कारण। इसके बाद दूसरा कारण में हम जस्ट हमने शुरुआत किया था, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण अर्जुन बताते हैं, आनंद की प्राप्ति कैसे होगी अगर युद्ध में सभी लोग मारे जाएंगे, तो अगर हम मैं जीत भी गया तो युद्ध ये जीत कैसे साझा करेंगे। तो भगवान क्या समझाते हैं कि इसके दो पहलू हैं, पहला कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, जो तुम कह रहे हो कि युद्ध नहीं करोगे, तो युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा अपयश फैल जाएगा, ठीक है, तुम्हारा बहुत ही बदनामी होगी समाज में, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय अपना कर्तव्य से विमुख हो गया, पहला। दूसरा वो कह रहे हैं अगर जीत गए तो क्या हो गया, अगर जीत गए युद्ध करे और जीत गए तो तुम्हें युद्ध, अगर तुमने सिर्फ युद्ध किया, जीते हारे वो अलग है, अगर सिर्फ युद्ध ही किया तुम तो क्या है, तुम्हारे सर की स्वर्ग की प्राप्ति तो निश्चित है, ठीक, स्वर्ग तो निश्चित मिलने वाला है, क्योंकि उस धरातल पे जिस जिन जो भी जिनका भी जिन जिन्होंने भी अपना शरीर त्यागा था, सबको उच्च उच्च धाम की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो ऐसा करके भगवान कहते हैं कि आनंद की बात कह रहे हो, नहीं करोगे तो तुम्हारा ज्यादा अपयश फैलेगा, और करोगे तो स्वर्ग तो निश्चित है, ठीक है। तो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और बाकी के संशय जो बच गए हैं उसको भी अध्ययन करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए 33वां श्लोक हो गया था। 33वें में क्या बोलते हैं भगवान, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो तुम कह रहे हो कि युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम के आनंद यहाँ आनंद की यहाँ तो तुम्हारा अपयश फैल जाएगा, ठीक है। तो अगले दो श्लोकों को एक साथ पढ़ते हैं, और दूसरा जो संशय है भगवान 35वें श्लोक तक उसको संपन्न कर देंगे। देखिए क्या है श्लोक 34वां, अकृतिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। इसको भी पढ़ते हैं 35 को, फिर दोनों एक साथ समझाता हूँ आपको। भयात् भयाद्रणादुपरतम मयस्यन्ते त्वा महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा याससि लाघवम्। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे, ठीक है। तो देखिए भगवान कैसे समझा रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे आनंद नहीं प्राप्त होगा, तो भगवान तो पहले इस 33वें में उन्होंने बोला कि आनंद तो छोड़ो, तुम एक क्षत्रिय के लिए अगर वो युद्ध भूमि, तुम्हारे शत्रुगण क्या सोचेंगे कि ये मृत्यु के भय से युद्ध भूमि छोड़ के भाग गया, ठीक है, वो तो ये नहीं सोचेंगे। आप लोग वीडियो बंद रखिए, वीडियो बंद रखिए। हाँ, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि तुम्हें अपने अपने सगे संबंधियों को देख करके तुम्हें दया आ रहा है या आनंद नहीं मिलेगा, ऐसा तुमको तुम में संवेदना प्रकट हो रही है। वो तो साधु पुरुष थे तो संवेदना प्रकट हो रही थी, परंतु युद्ध भूमि में लोग क्या समझेंगे, युद्ध भूमि में तो ये समझेंगे कि तुम युद्ध के भय से भाग गए, युद्ध के पराजय से भाग गए। तो युद्ध भूमि से छोड़ के भागना एक क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी उससे अच्छा उसको मृत्यु गति प्राप्त हो जाए वो बेहतर है, ऐसा करके भगवान समझाते हैं, ठीक है। वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो ये तुम्हारे कारण तो नहीं, तुमने तो मुझे कारण बता दिया, अब सभी को तो कारण नहीं बता पाओगे, अगर भाग गए तो क्या होगा, तो वो समझेंगे युद्ध भूमि से तुम छोड़ के भाग गए, ठीक है। तो यानी कर्तव्य से विमुख हो गए, और कर्तव्य से विमुख ही नहीं हो गए, युद्ध भूमि छोड़ के डर से भाग गए, ठीक है। तो ऐसा करके भगवान आनंद को दोनों तरीके से समझाते हैं, ठीक है, अगर नहीं करोगे तो उससे अच्छा तुमको मृत्यु गति को प्राप्त हो जाओ,
तुम्हारा अपयश फैलेगा। दूसरा क्या, अगर तुम युद्ध किए, हार तो जीत अलग बात है, लेकिन स्वर्ग जो है वो निश्चित है। अब तीसरा आता है, तीसरा क्या है, 36 से लेकर के अगले 3 श्लोकों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तीसरा क्या था कारण, बताइए, हैंड रेस कीजिए, बताइए तीसरा कारण क्या था, हैंड रेस करके बताइए या चैट में भी डाल सकते हैं। तीसरा कारण क्या था युद्ध ना करने का, युद्ध ना करने का संशय क्या बताए थे अर्जुन? हरे कृष्णा, अरे किसी ने हैंड रेज नहीं किया, दोबारा पूछ रहा हूं, तीसरा कारण क्या था? हरे कृष्णा, रेणु माता जी प्लीज म्यूट कीजिए जी। हरे कृष्ण जी, तीसरा कारण ये था कि अतः साउंड नहीं आ रहा है आपका, आवाज नहीं आ रही। माता आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा, रेणु माता की आवाज नहीं आ रही।